तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट एंड शोल्डर। चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट घर पे कैसे कर सकते हैं, आपको उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। आपको सामान सिर्फ और सिर्फ दो वाटर बॉटल चाहिए। दो वाटर बॉटल के साथ में आप पूरा वर्कआउट चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट घर से कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेगेटिव पुशअप। अगर आपको नॉर्मल पुशअप होता है तो नॉर्मल पुशअप करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रिपीट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेकंड एक्सरसाइज के लिए मैं डंबल यूज कर रहा हूं। आप दो वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं, दो वाटर बॉटल नॉर्मल बॉटल जिसमें आप बिस्लेरी वाटर यूज कर सकते हैं, वो बिस्लेरी की बॉटल यूज कर सकते हैं आप ये वर्कआउट के लिए। तो इससे क्या करेंगे आप, चेस्ट प्रेस कैसे करेंगे आप, इसके दो सेट करेंगे 15-15 रेपिटेशन के दो सेट। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एकदम बाहर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। जैसे ही मसल रिकवर हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, आपको सेकंड सेट स्टार्ट करना है। दस से 15 सेकंड का ब्रेक लेने के बाद में फिर से स्टार्ट करें आप। सेम वही पोजीशन पे जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लें, 20 से 30 सेकंड का ब्रेक लें। उसके बाद में चेस्ट फ्लाई स्टार्ट करें। चेस्ट फ्लाई में आप क्या करेंगे, एकदम चेस्ट को खोलेंगे, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं वैसे करें। सेम यही पोजीशन में नी फोल्ड करके रखना है। अभी दो डंबल एकदम चेस्ट के सामने पकड़ने हैं, मैं सामने से दिखा दूंगा यहां पे। अभी यहां से क्या करना है, आपको चेस्ट लाइन में एकदम बाहर जाना है, एकदम स्लो स्लो चेस्ट को बाहर करके रखना है, नीचे एल्बो टच नहीं होना चाहिए।
टू एकदम आराम से, थ्री आर्म्स को एकदम टाइट करने, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ओके रिलैक्स करें, 15 रेप आने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लें। जो लोग बिगिनर हैं वो एकदम आराम आराम से करें, सेम 15 रेपिटेशन करें, लाइट वेट लें, और आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दोस्तों अगले दिन आपको पता चलेगा कि कुछ किया है आपने। ये चेस्ट जो है थोड़ा बड़ा मसल है, बड़े मसल पे अक्सर एट ए टाइम रिएक्ट नहीं करता बड़ा मसल। चलो 15 रेपिटेशन और करें हम सेम एनर्जी सेम फॉर्म के साथ में। फॉर्म का थोड़ा ध्यान रखें, अगर फॉर्म के साथ में नहीं करेंगे तो आपके गलत मसल पे वो जाके असर होगा, वो गलत मसल आपका एक्टिव होगा। चलिए शुरू करते हैं। वन एकदम आर्म्स को टाइट करके, टू डंबल आपके कंट्रोल में जाना चाहिए, थ्री टाइट पकड़ना है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ओके चेस्ट फ्लाई हो गया, अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वाइड डिस्टेंस पुशअप। वाइड डिस्टेंस में क्या करना होगा आपको, हाथ का डिस्टेंस, नॉर्मल पुशअप में हम क्या करते हैं, हाथ का जो डिस्टेंस है इतना रखते हैं। वाइड डिस्टेंस पुशअप होल्ड में क्या करेंगे, इतना डिस्टेंस रखेंगे। वाइड डिस्टेंस पुशअप नीचे जाएंगे, टच करेंगे एंड नेगेटिव पुशअप। वाइड डिस्टेंस नेगेटिव पुशअप, पूरा बॉडी टच करें। बिगनर में आपको अगर इजीली पुशअप कर सकते हैं तो नॉर्मल पुशअप करें, अदरवाइज टच करके आपको करें। इसके रेपिटेशन करेंगे आप 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 करने के बाद आप छोटा सा ब्रेक लें, रेस्ट कर लें। रेस्ट के बाद में एक और राउंड रिपीट करेंगे 10 रेपिटेशंस का। जैसे ही आपको लगे कि रेस्ट हो गई है, सेकंड राउंड के लिए रेडी हो जाएं। हाथ का डिस्टेंस बढ़ा के रखा है, टच द फ्लोर, टच फ्लोर, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। 10 रेपिटेशन करने के बाद छोटा सा ब्रेक लें। अभी हम करेंगे शोल्डर का ट्रेनिंग, शोल्डर वर्क करेंगे। शोल्डर के लिए आप क्या करेंगे, सेम बैठ जाएंगे आराम से, आपको वज्रासन पोजीशन में बैठना होगा। वज्रासन पोजीशन में पैर को ऐसे पीछे मोड़ के अपनी दो वाटर बॉटल ले लेनी है, लाइट वेट, ज्यादा हैवी वेट ना लें। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी फ्रंट राइजेस।
यहाँ पे साइड पे डंबल रखें, ऐसे पकड़ सकते हैं या फिर ऐसे, लेकिन जब आप सामने जाएंगे सीधा शोल्डर लाइन स्लो डाउन, वन स्लो डाउन, टू चेस्ट अप, थ्री फोर, एकदम स्लो, जितना स्लो करेंगे उतना आपका उसको शोल्डर मसल वर्क करेगा, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन रेपिटेशन करने के बाद छोटा सा ब्रेक ले, एक और राउंड करेंगे इसका, रिपीट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, दो सेट कंप्लीट हुए। अगला एक्सरसाइज करेंगे हम लैटरल राइजेस, सेम पोजीशन में बैठेंगे, थोड़ा ब्रेक ले लेंगे, अभी हम करेंगे लैटरल राइजेस, सीधा शोल्डर लाइन में होल्ड एंड डाउन, वन टू चेस्ट अप, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स, थोड़ा सा ब्रेक लें, रेस्ट कर लें थोड़ा सा, जब आप एक्सरसाइज करें ध्यान रखें आपकी बॉडी एकदम टाइट रहनी चाहिए, हम कोई भी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग के टाइम हमें बॉडी को एकदम टाइट रखना है, ठीक है। चलिए रिपीट, वन टू थ्री स्लो डाउन, फोर ध्यान रहे एल्बो एकदम पीछे से ऊपर, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। इसके बाद अगला एक्सरसाइज होगा अर्नोल्ड प्रेस, अर्नोल्ड प्रेस भी शोल्डर के लिए एक्सरसाइज है, वो कैसे करेंगे मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए,
ब्रेक हो गई हो तो शुरू करते हैं। डंबल्स को ऐसे एकदम सामने पकड़ना है, हाथ को उल्टा करके ऐसे यहां से ऊपर लेके जाना है वन, और हाथ को रोटेट करते करते वापस भी सेम वैसे रोटेट करते हुए टू, एकदम आराम से थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ब्रेक ले छोटा सा, छोटा सा ब्रेक ले लें। चलिए शुरू करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स, ब्रेक लें। अभी हम करेंगे स्टिक प्रेस, शोल्डर प्रेस करेंगे। शोल्डर प्रेस कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं आपको। थोड़ा सा ब्रेक ले लें। चलिए शुरू करते हैं। दो डंबल यहां पर रखेंगे, वाटर बॉटल जो भी आपके हाथ में है, यहां से सीधा वन टू, ध्यान रहे यहां पर शोल्डर लाइन तक ही लेके हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। ब्रेक लें छोटा सा। थोड़ा सा ब्रेक लें कि दोबारा से इसको रिपीट करें। चलिए शुरू करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। ओके, आज का वर्कआउट हो गया। ये पूरा वर्कआउट खत्म होने के बाद में शोल्डर और चेस्ट की स्ट्रेचिंग याद से कर लें। अगर आपको स्ट्रेचिंग नहीं आती, मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो देख लें, चेस्ट और शोल्डर के लिए स्ट्रेचिंग क्या करनी है, वो स्ट्रेचिंग कर लें, ध्यान से वो स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं होगी, रिकवर नहीं होगी तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
रहा है मेरा ये आज का वर्कआउट चेस्ट एंड शोल्डर का, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरे साथ ही वैसे ही वर्कआउट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा जो कि आप घर से ही कर सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। सी यू ऑल, बाय बाय।